बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा के फिल्म 12th फेल थिएटर में रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म आईपीएस मनोज शर्मा के जीवन पर लिखी बेस्ट सेलर किताब 12th फेल पर बनी है। एक्टर विक्रांत मेसी ने इस फिल्म में आईपीएस मनोज शर्मा का किरदार निभाया है। आपको बता दें कि आईपीएस मनोज शर्मा के जैसी कहानी आईएएस सूरज तिवारी की भी है। आईएएस सूरज तिवारी यूपी के मैनपुरी के रहने वाले हैं। यूपीएससी एग्जाम 2022 में उन्होंने 917वीं रैंक हासिल की थी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि बुलंद हौसलों के आगे कठिन से कठिन परिस्थिति भी रोड़ा नहीं बन सकती है। दरअसल सूरज तिवारी साल 2013 में सीबीएसई के इंटर एग्जाम में फेल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने 2014 में यूपी बोर्ड से 12th पास किया। आपको बता दें कि अपने हौसलों से उड़ान भरने वाले सूरज तिवारी एक विकलांग हैं। 24 जनवरी 2017 में गाजियाबाद के दादरी में हुई एक ट्रेन दुर्घटना में उन्होंने अपने दोनों पैरों के साथ साथ अपने दाहिने हाथ और बाएं हाथ की दो उंगलियों को खो दिया था। इसके बाद 4 माह तक अस्पताल में रहे और करीब 3 माह तक बेड रेस्ट किया। इसके बाद भी सूरज तिवारी ने हार नहीं मानी। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पंक्तियां यूपीएससी में अपनी सफलता का परचम लहराने वाले सूरज तिवारी पर सही साबित होती हैं। आपको बता दें कि सूरज मैनपुरी के कुरावली कस्बे के रहने वाले हैं और उनके पिता राजेश तिवारी पेशे से एक दर्जी हैं।